ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि से घट स्थापना करना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण, पावन और पवित्र माना जाता है। पूरे देश भर में धूमधाम से नवरात्रि के त्यौहार को मनाया जाता है और 9 दिनों तक माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और माँ की कृपा विशेष रूप से उन पर बरसती है। चैत्र नवरात्रि में व्रती अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। चैत्र नवरात्रि शुभ मुहूर्त। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात के 11:50 से शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 9 अप्रैल को शाम 8:30 तक समाप्त होगी। सनातन हिंदू धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना शुभ मुहूर्त। 9 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी, जिसका समय सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक होगा। इसके साथ ही 11:57 से लेकर 12:58 तक मुहूर्त होगा। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो शरद, चैत्र, माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ती है। शरद और चैत्र के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि माँ दुर्गा के भक्तों के लिए विशेष होती है। वहीं माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि तांत्रिकों और अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते हैं तथा दिन रात उनकी उपासना करते हैं। इस बार माता को समर्पित चैत्र नवरात्रि 9 दिन मनाई जाएगी। देवी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन कौन से रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या है इसका महत्व, अब जानेंगे। 9 से 17 अप्रैल तक रहेगी चैत्र नवरात्रि। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 17 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में अब की बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होगी। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इस समय घट स्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक और उन्नति कारक सिद्ध होगी। माता दुर्गा को समर्पित 9 दिन बेहद कल्याणकारी है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वर्ष में 2 चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में माता भक्तों को दर्शन देने के लिए घोड़े पे सवार होकर आ रही है। शक्ति का स्वरूप माने जाने वाली माता दुर्गा को समर्पित यह 9 दिन बेहद कल्याणकारी होते हैं। 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना तिथि 9 अप्रैल 2024। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो चंद्रमा का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सभी बुरे प्रभाव और अपशगुन दूर होते हैं। इस दिन भक्तों को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। द्वितीय तिथि 10 अप्रैल 2024। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को प्रदर्शित करती हैं और जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सच्चे दिल से करते हैं, उनके सभी दुख, दर्द और तकलीफें दूर हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े पहने। तृतीय तिथि 11 अप्रैल 2024। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है, जो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शक्ति का संचार होता है तथा हर तरह के भय दूर हो जाते हैं।
माँ चंद्र घंटा की पूजा में ग्रे रंग का कपड़ा पहने। चतुर्थी तिथि 12 अप्रैल 2024 शरद नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है जो सूर्य देव को प्रदर्शित करती है। चतुर्थी तिथि पर संतरे रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भविष्य में आने वाली सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। पंचमी तिथि 13 अप्रैल 2024 बुध ग्रह को नियंत्रित करने वाली माता माँ स्कंद माता की पूजा शरद नवरात्रि के पांचवें दिन होती है। जो भक्त माँ स्कंद माता की पूजा करता है उनके ऊपर माँ की विशेष कृपा बरसती है। पंचमी तिथि पर सफेद रंग का कपड़ा पहनना अनुकूल माना जाता है। षष्ठी तिथि 14 अप्रैल 2024 नवरात्रि की षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन लाल कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करें जो बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से हिम्मत और शक्ति में वृद्धि होती है। सप्तमी तिथि 15 अप्रैल को है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है जो शनि ग्रह का प्रतीक है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों में वीरता का संचार होता है। सप्तमी तिथि पर आपको रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अष्टमी तिथि 16 अप्रैल को है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा करने का विधान है। इस दिन गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना मंगलमय माना जाता है। माता महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। नौमी तिथि 17 अप्रैल को है। माँ सिद्धिदात्री राहु ग्रह को प्रदर्शित करते हैं जिनकी पूजा करने से बुद्धिमता और ज्ञान का संचार होता है। नौमी तिथि पर आपको पर्पल रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में माता रानी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।